अगर आप वकैब से बहुत परेशान हैं, जी हाँ, आपका 36 का आंकड़ा है, वकैब आप याद करते हैं और आप भूल जाते हैं, या फिर आपको कन्फ्यूज़न है कि वकैब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम कितनी याद करनी चाहिए, तो कौन सी वकैब पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से वर्ड मीनिंग कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वगैरह वगैरह, एक्स वाई जेड तमाम सवाल आपके माइंड में तैयारी से लेकर के आपके ज्वाइनिंग तक घूमते रहते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम वही कंसेप्ट, आपके जो भी डाउट हैं वो हम क्लियर करेंगे। आज हम जो बुक के बारे में बात कर रहे हैं वो बुक है लूसेंट जनरल इंग्लिश की। जी हाँ, लूसेंट इंग्लिश की ये बुक है, लूसेंट पब्लिकेशंस है, और इस बुक में इंग्लिश की ग्रामर, वोकैब बहुत कुछ दे रखा है। एक्चुअली इस एक बुक में वो सब चीज़ कवर कर रखी है जो आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा देगी, राइट। अब तक हमने डिस्कस करे हैं इससे जितने भी पहले ए से लेकर के एम तक जो भी अल्फाबेट हैं वो सभी हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा लूसेंट बुक वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक करेंगे, वहां पर आपको इसके तमाम वीडियो मिल जाएंगे। अब देखिए, इस बुक में मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ एक बार। मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, देखिए इसे कि एम अल्फ़ाबेट से हमारा ये वोकैब स्टार्ट होगा। इससे पिछले जो भी वीडियो हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब हम इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें भी हम लोग केवल वही वर्ड याद कर रहे हैं, वही वर्ड हम देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, जी हाँ कई बार, और जो नहीं पूछे गए हैं उन सबको मैंने स्किप कर रखा है यहाँ पर, और जो बहुत ही रेयर है जिसका 1% चांस है तो मैंने उसको बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करा है, जैसे कि वर्ड नंबर 4। यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई। अब देखिए आपको करना क्या है, या तो ये बुक लेके अपने साथ में बैठिए, उसी तरीके से जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं हाईलाइट कर रखे हैं वर्ड, यही सेम वर्ड अपनी बुक में आपको हाईलाइट करना है। या फिर अगर बुक परचेज नहीं करनी है, पैसे नहीं है या मूड नहीं है, देखिए पढ़ाई आपके मूड के हिसाब से नहीं होगी, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे A4 पेज लेके बैठ जाइए, इन सबको पेन डाउन करिए और उसका रिविज़न करना। तो देखिए पहला जो वर्ड है वो हमारा है मेलवोलेंट, MALE मेलवोलेंट। अब देखिए इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है कुबुद्धि। कुबुद्धि का मतलब होता है जिसकी बुद्धि काफ़ी ख़राब हो, मतलब नष्ट बुद्धि। तो इसको हम जो इसका सेम अर्थ देखेंगे, सिनोनिमस देखेंगे इसका, वो होगा आपका होस्टाइल एंड विंडिक्टिव एंड वीसियस। तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। इल नेचर्ड बहुत ही रेयर चांस आपसे पूछेगा, अगर आप ये भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इसको स्किप करवा ही दिया तो कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं, देखिए इसकी प्रायोरिटी कम है तो मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा। वर्ड नंबर 2 है हमारा क्या, मेल न्यूट्रिशंस, मतलब अपर्याप्त पोषण, इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशंस। तो ये होगा आपका सेम अर्थ होगा इसका क्या, स्टारवेशन। वर्ड नंबर 3 है आपका मैरिज, मैरिज का अर्थ आपको पता होगा विवाह, एग्जाम में आपसे पूछेगा मैरिज का सेम मीनिंग क्या है, तो मैरिज का आपको हिंदी अर्थ पता होगा विवाह, शादी, रोका, ऐसा कुछ वर्ड आपको पता होगा। लेकिन एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन उसने दे दिया मैट्रिमोनी तो आप कन्फ्यूज, ABCD कहीं एक आपको राइट आंसर दे दिया उसने किसी एक ऑप्शंस में, ऑप्शन सी में उसने दे दिया मैट्रिमोनी। अगर आपको मैट्रिमोनी का अर्थ नहीं पता तो आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन या तो छोड़ के आएंगे, अगर उसको अटेम्प्ट करेंगे तो क्या पता सही भी हो सकता है या फिर गलत भी। तो इसलिए ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, मैट्रिमोनी, मैरिज एंड कपलिंग। कपल क्या होते हैं, कपल 2 होते हैं, तो कपलिंग वहां से बन गया ये वर्ड, तो ये सेम अर्थ होगा यहाँ पर। वर्ड नंबर 4 स्किप हो रहा है। वर्ड नंबर 5 मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम प्रायोरिटी इसके आने की ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम का अर्थ होता है खुद में अधिक, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, तुम मैक्सिमम रिस्क लेते हो, तुम अधिक से अधिक रिस्क लेते हो, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है 1/4 की, लेकिन फिर भी तुम क्या करते हो, अधिकतर नेगेटिव अटैम्प्ट करके आते हो, तो वो हो गया मैक्सिमम अधिकतम। ऑप्शन आपको एग्जाम में देगा वो देगा अटमोस्ट, आप याद रखना अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतम। वर्ड नंबर 6 है आपका मिग्र, मिग्र का अर्थ होता है आपका थोड़ा अपूर्ण, और इसका सेम अर्थ होगा आपका क्या, इन एडिकेट एंड स्कैंटी। स्कैंटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कैंटी। वर्ड नंबर 7 मिलान चोली, मिलान चोली मतलब उदास,
मिलान, चोली, देखिए मिलान से बना है, मिलन, मिलन जब होता है तो क्या होता है, अगर आपका दुश्मन आपसे मिलेगा तो को क्या होगा, आपको काफी नेगेटिव थॉट उस टाइम पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसने उसने ऐसा कहा था ना, इसने उसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मेरे को उसने हाथ उठाया था सबके सामने, तो ये क्या हो गया, मिलान का अपोजिट मान लीजिए एक तरह से, अगर याद करना है आपको तो मिलान चोली का मतलब क्या होता है, मिलने से जिसकी उदासी फैल जाए, तो वो होता है आपका मिलान चोली, उदास, और उसका सेम अर्थ क्या होगा, मॉर्नफुल एंड सोरोफुल। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, वर्ड नंबर 8, मेमोरियल। मेमोरियल का अर्थ होता है मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या होता है, याद, याद का मतलब क्या होता है, स्मारक, और इसका सेम अर्थ होगा आपका मोमेंटो एंड मोन्यूमेंट। मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, जो व्यापार करता है, जैसे दुकानदार, परचून के दुकानदार के वो बनिया लाला जी जिससे हम सामान लाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, मर्चेंट होते हैं, और उसका सेम अर्थ होता है आपका वेंडोर एंड ट्रेडर। वर्ड नंबर 10 है हमारा मिलिटेंट। मिलिटेंट का अर्थ होता है आपका युद्ध में लगा हुआ, सॉरी ये वर्ड जो बना है वो बना है आपका मिलिट्री से। मिलिट्री क्या होती है, मिलिटेंट होती है, हमेशा क्या होती है, युद्ध में लगी होती है, तैयार रहती है, कब युद्ध होगा, हम लोग फटाफट बॉर्डर में जाएंगे, हम फायरिंग करेंगे, तो मिलिटेंट मतलब मिलिट्री, इसको बोलते हैं अग्रेसिव। अगला जो वर्ड है वो है आपका मिनिमम। मिनिमम वेजिस इतनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी हमारी वेजिस होनी चाहिए, तो ये वो वर्ड है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। आगे है आपका मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, काफी मॉडर्न बन रहा है वो, तो गोगल्स लगाता है भाई, इतने अच्छे अच्छे हाथों में चेन पहनता है, गले में चेन पहनता है, कुंडल पहनता है, वो इंसान क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। अब सिनोनिम्स आपको एग्जाम में, ये तो आपको पता था कि मॉडर्न का मतलब नया होता है, आधुनिक होता है, लेकिन ऑप्शंस अगर आपने उसको दे दिया अप टू डेट, तो अप टू डेट का भी आपको पता होगा बहुत ही सेम है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो सकते आपको, तो ये अप टू डेट का मतलब क्या होता है, मॉडर्न। आगे बात करते हैं, अगला वर्ड हमारा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनीत या लज्जावान, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 15 हमारा मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है गति या फिर चाल या फिर वेग। आपने शायद 6th 7th 8th तीनों ही क्लास में ये साइंस में चैप्टर था मोमेंटम के बारे में, गति का नियम, वेग का नियम, चाल का नियम, तो वो ये वर्ड यही है, और आपको याद रखना है स्टीमुलस, इसका सेम अर्थ होगा। अगला वर्ड, वर्ड नंबर क्या 17, वर्ड नंबर 17 आपका म्यूजिशियंस, मतलब म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब संगीतज्ञ, जो संगीत बजाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं म्यूजिशियंस, परफॉर्मर एंड वोकलिस्ट। वर्ड नंबर 18 है आपका मॉर्नफुल। मॉर्नफुल, मॉर्न मतलब मरना, मरना कैसा होता है, मरना हमेशा क्या होता है, शोक के समान होता है, काफी दुखी पैदा करता है, तो ये वर्ड वहां से निकल के आया है, इसका इन्वेंट, इसका जो जन्म हुआ है वहीं से हुआ है, तो ये आपका मॉर्नफुल मतलब दुखी, शोकफुल मतलब ट्रेजिक। वर्ड नंबर 19 है आपका मिस्टीरियस मतलब गुप्त, एंड वर्ड नंबर 20 है आपका मैथिकल। मैथिकल का मतलब होता है आपका मिथिकल या मैथिकल, तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है काल्पनिक, और इसका सेम वर्ड होगा आपका क्या, लिजेंड्री, फेबल्ड एंड फेरी टेल। अब हम एन से स्टार्ट होने वाले शब्दों को देखते हैं। नैरो, वो काफी नैरो माइंडेड है यार, नैरो माइंडेड पर्सनैलिटी। नैरो माइंडेड मतलब होता है, नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच वाला, नैरो का मतलब छोटी, संकुचित एंड संकरा, तो इसका सेम अर्थ क्या होगा, मार्जिनल एंड क्रैम्पेड। आगे है आपका अगला वर्ड, वो है आपका नॉटी। काफी नॉटी है, काफी नटखट बच्चा है ये, ठीक है, और इसका सेम अर्थ क्या होगा, वो होगा आपका रोग्यूश। वर्ड नंबर 3 नेसेसरी, और इसका सेम अर्थ होगा कंपलसरी एंड एसेंशियल। वर्ड नंबर 4 नाइटमेयर, मैंने कल एक बुरा सपना देखा, मैंने कल नाइटमेयर देखा। नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब, मेयर का मतलब भूत, रात का भूत मतलब बुरा सपना, और इसका सेम अर्थ होगा हॉरर एंड ट्रायल। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 6, 5 को हम स्किप कर सकते हैं, इसलिए हम बढ़ते हैं वर्ड नंबर 6 पे, वो है आपका नोटोरियस मतलब कुख्यात, भयानक, डरावना, जिसको देख करके क्या हो गए, हाथ पांव कांप जाएं, मतलब अनडिस्प्यूटेड। वर्ड नंबर 7 नॉरिस। नॉरिस का अर्थ होता है आपका पालन पोषण करना या बढ़ाना, नरिस बोलते हैं उसको वैसे, NORIS, नॉरिस या नरिस, तो इसका आपको होगा चेरिस एंड इनक्रेज। वर्ड नंबर 8
नल सेंस, नल सेंस का अर्थ होता है आपका पीड़ा, कष्ट, कारक मतलब बांधा, ऑफेंस, इरिटेशंस, पेन, ट्रबल। अगला वर्ड वर्ड नंबर 9 है आपका न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का अर्थ होता है आपका पौष्टिक एंड न्यूरिशिंग्स। वर्ड नंबर 10 है आपका नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है, नॉक्सियस का मतलब होता है एक्चुअली हानिकारक। कोई गैस अगर आपके आसपास वातावरण में फैल जाए, जैसे एलपीजी गैस अगर लीक हो जाए तो वो क्या होगी, हानिकारक होगी। वो क्या होगी, एलपीजी गैस इज अ नॉक्सियस गैस। और उसका सेम अर्थ क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव एंड इंजीरियस। या ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग, ओ अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। इसके बाद ओ ऑब्लिवियस मतलब भुलक्कड़, भूगने मतलब भूलने वाला, गजनी। जैसे गजनी मूवी देखी थी ना आपने, उसमें क्या था, वो भुलक्कड़ था। और उसका सेम अर्थ क्या होगा, वो होगा आपका निग्लिजेंट। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 2nd है आपका ऑब्नोक्सियस, घृणित, अप्रिय। ऑब्नोक्सियस ये चीज काफी क्या है, काफी बेकार लगती है देखने में। ऑब्नोक्सियस सेम अर्थ क्या होगा इसका, एबोरेंट, एबोमिनेबल, ऑडियस एंड रिपल्सिव। इसमें कुछ भी आप स्किप नहीं करेंगे, नो रिस्क। एग्जाम के प्रति आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो इसलिए आपको ये सभी वर्ड याद करने हैं। देखिए जितना स्किप हो सकता है मैं करवा ही रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मैं कितना कुछ इसमें आपको स्किप करवा रहा हूँ। हाईलाइट करे हुए आपको बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और जो मैंने हाईलाइट नहीं करे वो ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए आप रेशियो निकालिए, रेशियो अनुपात निकालिए, चल जाएगा आपको पता। तो इसलिए कम से कम इतना तो करके जाओ। बुक को रखे रखे धूल धक्कड़ खाने से बढ़िया है कि उस बुक को उठाओ, इस बुक का यूज करो, कम से कम कुछ तो पढ़ो इस बुक में से। अब हम बात करते हैं अगला जो वर्ड है वो है हमारा ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। ऑब्वियस सी बात है यार, स्पष्ट सी बात है, तुझे अगर नहीं आता तो छोड़ दे इस चैप्टर को। कहते हैं ना हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, जैसे कभी या कंपटीशन में कभी अपन देखा होगा, तो ऑब्वियस यार चलते हैं ना बर्थडे है तो, मतलब सिंपल सी बात है, चलना चाहिए बर्थडे है तो पार्टी करने के लिए। इसका सेम अर्थ किया है आपका अपारेंट एंड डिस्टिंक्ट। अगला वर्ड वर्ड नंबर 4 है आपका ऑन लुकर, दर्शक, ऑब्जर्वर। देखिए दर्शक क्या होते हैं, दर्शक वही है जो एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करे, ढंग से देखे, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। वर्ड नंबर 5 है ओपैक। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शक, डिम एंड ऑब्सक्यूर। वर्ड नंबर 6 ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है दुश्मन, विरोधी, शत्रु। आपका दोस्त क्या है वो, ओपोनेंट। जो दोस्त आपसे दुश्मनी लेके बैठ जाए, आपको वो भी गलत बोल दे और आपको झगड़ा हो जाए, तो उसको उसके नाम के साथ में आप याद करिए ओपोनेंट। उसका सरनेम कर लीजिए आप ओपोनेंट, जैसे अंकित ओपोनेंट, मुकेश ओपोनेंट। तो ये ओपोनेंट सबके आगे सरनेम लगा, तो सबके पीछे, तो आपको याद रखना क्या है, शत्रु एंड विरोधी, एंटागोनिस्ट एंड फॉई। फॉई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटागोनिस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको याद करना है फॉई। अगला जो वर्ड है आपका 7 ओरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है जो लेक्चर देता है, जैसे सब क्लास में जाते हैं तो कौन बोलता है, टीचर बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं, तो टीचर क्या हो गया, ऑरेटर, लेक्चरर हो गया वो। आगे बात करते हैं वर्ड नंबर 8 की ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब क्या होते हैं, जो आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं, वैकल्प मिलते हैं, वैकल्पिक मिलते हैं, आपकी इच्छा होती है कोई एक आपको चूज करना होता है, तो इसका सेम अर्थ क्या होगा, जो सेम अर्थ होगा वो होगा आपका वॉलेंट्री। वर्ड नंबर 9 ओवरकम, विजय प्राप्त करना। मैंने अपनी मैथ की प्रॉब्लम को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया, मतलब मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। ओवरकम अपनी तकलीफों को ओवरकम करो, जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसका मैक्सिमम उस पर टाइम दो, उसका रिवीजन करो, ऑटोमेटिक वो तकलीफ क्या होगी, ओवरकम हो जाएगी। उस पर आप क्या करोगे, जीत पालोगे, जीत जाओगे उससे। अगला वर्ड है आपका, हाँ इसका जो सेम अर्थ होगा वो होगा डिफीट एंड ट्रायम्फ। आगे वर्ड है 10 नंबर है आपका ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है, मकान मालिक, स्वामी, अधिकारी। और उसका सेम अर्थ होगा आपका लॉर्ड, मास्टर एंड प्रोपराइटर। पैराडॉक्स, पी पैराडॉक्स, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है असत्याभास। जो चीज हमको कंफ्यूज कर दे, जो बिल्कुल सत्य साबित ना हो पाए, उसको बोलते हैं असत्य। असत्य हमेशा क्या होता है, पजल करने वाला होता है, मतलब एक ऐसा मैटर जो हमको कंफ्यूज कर दे। तो इसका सेम अर्थ होगा आपका एम्बिगुइटी।
ड्यूटी एंड राइडल। अगला जो वर्ड है वो है आपका पर्टिकुलर। पर्टिकुलर एक चीज पर फोकस करिए। पर्टिकुलर का मतलब है आपका PARTICULAR, ये एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है विशिष्ट, पेक्यूलियर एंड स्पेशल। कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि इस पेज में पर्टिकुलर जो मैंने आपको हाईलाइट कर रखे हैं, पर्टिकुलर मतलब जो जो केवल स्पेशल जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उसको आप याद करिए, पेंड ऑन करिए, रिविजन करिए वगैरह वगैरह। तो यही चीज़ होगी, क्या हो गया, ये हो गया आपका पर्टिकुलर। ये सब आइटम क्या है, पर्टिकुलर विशेष हैं ये, और ये क्या है, ये सभी क्या है, स्पेशल है। अगला जो वर्ड है वर्ड नंबर 3 आपका पैशनेट। पैशन, पैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है आपका क्रोधी, और एग्जाम में आपको ऑप्शन देगा अराउज्ड। वर्ड नंबर 4 आप स्किप कर सकते हैं। वर्ड नंबर 5 है आपका पिडिस्टेरियन, मतलब पैदल चलने वाला। आपको पता होगा ये, वैसे अगर अपने एस्केलेटर वगैरह आप यूज़ करते हैं मेट्रो वगैरह में, या फिर आपकी सिटी में मॉल वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें लिखी होती हैं काफ़ी हद तक। तो ये होता है आपका पिडिस्टेरियन, मतलब पैदल चलने वाला, फूट ट्रैवलर या फिर वॉकर। वर्ड नंबर 6 है आपका पिलिग्रीमेज। पिलिग्रीमेज का मतलब होता है आपका जो तीर्थ यात्रा पर जाए, जैसे हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर शिरडी का मंदिर। ये सब यात्रा क्या होती है, ये सब यात्रा होती है आपके पिलिग्रीमेज, तीर्थ यात्रा, ये सब चीज़ें कहलाती हैं, और उसको बोलते हैं सेम अर्थ, क्रूसेड, एक्सपीडिशंस, जर्नी एंड मिशन। वर्ड नंबर 7 प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है बहुत ही मूल्यवान, प्रीसियस टाइम। एग्जाम इज ए क्या है, प्रीसियस टाइम। एग्जाम एक काफी बहुमूल्य समय होता है। 2 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलते हैं या आपको 1 घंटे मिलते हैं, तो वो क्या है, काफी आपके लिए बहुमूल्य समय है। एक एक मूल्य आपको, एक एक सेकंड आपको बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाना पड़ता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको यहाँ वहाँ के ख्याल नहीं आते कि शर्मा जी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, फ्रेंड ने ये बोला। तो वो टाइम जो काफी कीमती हो, मतलब प्रीसियस हो, तो वो क्या होता है, वो काफी अच्छा होगा, कॉस्टली होगा, वैल्यूएबल होगा, एंड क्या होगा, क्लियरेस्ट, मतलब बिल्कुल क्लियर होगा हमको कि इस टाइम को हमें नहीं गवाना है। 8 और 9 इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। वर्ड नंबर 10 है आपका प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, कहते हैं ना प्रीवियस मतलब क्या होता है, पहले के, पूर्व के। भाई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आप देखते होंगे, ये आपको पता भी होगा, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको दे दे ऑप्शंस क्या, फॉर्मर तो आप कंफ्यूज, अर्लियर तो आप कंफ्यूज, या फिर प्रायर, यहाँ पे कंफ्यूज। तो तीनों ही वर्ड आपको कोई भी देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहले का, पूर्व का, इसका भी अर्थ सेम होता है, इसका भी सेम मीनिंग है, और इसका भी मीनिंग सेम है। वर्ड नंबर 11 है आपका प्रोग्राम। भाई क्या प्रोग्राम है, चलना है घूमने के लिए, कहाँ पर, अरे दिल्ली, ये दिल्ली का लाल किला घूम के आते हैं। तो ये होता है प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम बनना के लिए गए। तो ये इसका हिंदी में अर्थ होता है कार्यक्रम, और इसका सेम अर्थ होगा एजेंडा एंड क्या, कैरिकुलम। वर्ड नंबर 12 प्रॉस्पीरियस। प्रॉस्पीरियस, सौभाग्यशाली, सफल। अगर आप दिवाली वगैरह से आपने अभी सेलिब्रेट करी, ठीक है, उसमें ये जो वर्ड है प्रोस्पीरियस, ये सब वर्ड आपने SMS में देखे होंगे, अपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे। तो इसका मतलब होता है सौभाग्यशाली, सफल, लक्की एंड फॉर्चुनेट। फॉर्चून का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। अगला जो वर्ड है वर्ड नंबर 14, 13 स्किप कर रहे हैं हम लोग। वर्ड नंबर 14 है पजल, या उसकी बातों ने मुझे पजल कर दिया। बिना सर पैर के वो इंसान बात करता है, और बात इतनी करता है कि दिमाग की दही कर देता है। तो वो क्या आपका, व्याकुल, पजल्ड। और इसका सेम अर्थ क्या होगा, बी वाइल्डर्ड या बिल्डर्ड। आगे आपका डाउटफुल एंड परप्लेक्स्ड। तो परप्लेक्स्ड का ये प्रायोरिटी ज़्यादा है एग्जाम में पूछने की, तो आप इसको प्लीज ध्यान देना, इस वर्ड को इसको कहीं पेन डाउन कर लीजिए। बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, बाकी की वर्कअप आप देखने के लिए आप क्लिक करें प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको प्रीवियस जितनी भी वर्कअप मैंने कराई है वो सब आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करें, और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें।
क्योंकि ये वीडियो उस इंसान तक पहुंचना चाहिए, उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए जो महंगी महंगी किताबें परचेज नहीं कर सकता। उसके लिए छोटा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा फेसबुक के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। इस लिंक को शेयर करें, आप भी आगे बढ़ें, औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।